बच्चों, आज हम लोग फिर जो है एक YouTube की ड्राइंग देखेंगे। YouTube पे इंजीनियर ड्राइंग सेकंड का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चंस हैं। वो है फाउंडेशन बोर्ड। फाउंडेशन बोर्ड जो है हर साल लगभग पूछे जाते हैं। पिछले वर्ष जो सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें भी पिछले वर्ष में जो है पूछा गया था। सिलेबस में हमारे फाउंडेशन बोल्ट के चार फाउंडेशन बोल्ट हैं। वो फाउंडेशन बोल्ट हैं रैंक फाउंडेशन बोल्ट, लेविस फाउंडेशन बोल्ट, कर्व फाउंडेशन बोल्ट और हुक फाउंडेशन बोल्ट या आई फाउंडेशन बोल्ट जिसको कहते हैं। तो जिसमें से जो हर साल लगभग जो है इसमें से दो फाउंडेशन बोल्ट पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। तो हम लोग भी फाउंडेशन बोल्ट को जानेंगे। फाउंडेशन बोल्ट होता क्या है? फाउंडेशन बोल्ट की ड्राइंग बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि फाउंडेशन बोल्ट होता क्या है, इसका यूज कहाँ पे है और इसका उपयोग कहाँ कैसे किया जाता है, क्या है, कैसे है, कहाँ पे किया जाता है, इसके बारे में पहले दो शब्द हम लोग जानेंगे। फिर हम जो है आई फाउंडेशन बोल्ट पर जानेंगे। तो सबसे पहले फाउंडेशन बोल्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, बताते हैं। ये फाउंडेशन बोल्ट हम ये दो बुकें हैं हमारे पास। एक हमारे पास है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग CM वर्मा की जो है, प्रकाश नाथ पब्लिकेशन की, और एक दूसरी बुक हमारे पास जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड की जो है गौरव कुमार कश्यप की है। तो हम लोग देखते हैं, तो देख रहे हैं इसमें से हम लोगों को बाकी तो ये तीन हम लोग पढ़ चुके हैं, रैंक बोल्ट, लेविस बोल्ट और कर्व बोल्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे ये हुक बोल्ट या आई बोल्ट, ये पढ़ेंगे। बिल्कुल ही आसान है और बहुत ही ये है, तो इसको इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये होता क्या है इसके बारे में, ये फाउंडेशन बोल्ट है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा है दूसरी बुक में, नवीन की बुक में हम दूसरे दिखाते हैं ताकि उसमें जो है थोड़ा सा इससे और क्लियर ड्राइंग है। ये बुक देख लीजिए, ये ड्राइंग और भी स्पष्ट है। आई बोल्ट या लो बोल्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। लो बोल्ट के बारे में हम लोग देखते हैं, तो पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, कैसे है। तो देखते हैं कि फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग वर्कशॉप में भारी मशीनों को स्थिति अनुकूल स्थिर रखने, कंक्रीट फाउंडेशन बोल्ट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के बुनियाद बोल्ट बनाए जाते हैं, जिससे ये बोल्ट फाउंडेशन में कसते समय और मशीनों पर कार्य करते समय पड़ने वाले झटकों के कारण बुनियाद से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फाउंडेशन बोल्ट को फिट करने के लिए सर्वप्रथम इसको संबंधित फाउंडेशन होल में लटका दिया जाता है और मशीन के आधार पर बोल्ट को फिट करने हेतु बने होल में बोल्ट के चूड़ीदार थ्रेडेड सिरों को सीध में रखकर फिट कर दिया जाता है। इसके पश्चात बुनियाद छिद्र को बालू, सीमेंट और कंक्रीट से बनाए गए मिश्रण से फाउंडेशन तल, फाउंडेशन लेवल तक भर दिया जाता है। जब तल पर फर्श सेट हो जाता है तो बोल्ट के चूड़ीदार सिरों पर नट कस दिए जाते हैं। बुनियाद छिद्रों को भरने के लिए कभी कभी पिघला शीशा अथवा
सल्फर का प्रयोग भी किया जाता है, जो कि बहुत कम समय में सेट हो जाता है, बहुत ही कम समय में सेट हो जाता है। तो फाउंडेशन बोल्ट जो है, मशीनों को जब चलाते हैं तो उसमें कंपन होता है। सीधी सी बात है कि जब मशीनें चलती हैं तो उसमें कंपन होता है, जिससे मशीनों में टूट फूट हो सकती है या मशीन गिर सकती है। अतः इन मशीनों को किसी भी स्थान पर रखने के लिए एक सुदृढ़ आधार की आवश्यकता होती है। इसी आधार को नींव या फाउंडेशन कहते हैं। जब मशीनी आधार को नींव पर RCC रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट सल्फर या लेड के साथ बोल्ट को खड़ा करके ऊपर मशीन का आधार रखकर नट की सहायता से टाइट किया जाता है, इसमें प्रयोग किए जाने वाले बोल्ट को ही नीव बोल्ट कहते हैं। इन बोल्टों के द्वारा मशीनों का नीव के साथ अस्थाई दृढ़ बंधन हो जाता है, जिससे किसी भी समय मशीन को नीव से अलग किया जा सकता है। ये तो हुआ आप लोगों के बारे में जो है, फाउंडेशन के बारे में हुआ। लेकिन अब स्पेसिफिक हम लोग जो है कौन सा बोल्ट पढ़ने जा रहे हैं, आई बोल्ट, लूप बोल्ट, तो उसका क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं कि यह आई बोल्ट या लूप बोल्ट जो है, यह फाउंडेशन बोल्ट की सबसे साधारण किस्म है। यह फाउंडेशन बोल्ट की सबसे साधारण किस्म है, जो माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की गोलाकार छड़ को, जैसा कि दिखाई दे रहा है, आप लोग देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों को, ये गोलाकार छड़ है, गोलाकार छड़ को फोर्ज करके आसानी से बनाई जाती है। इस बोल्ट का हेड आई आकृति का बना होता है, आई आकृति का बना होता है, इसलिए इसे आई बोल्ट भी कहते हैं, इसलिए इसे आई बोल्ट भी कहते हैं। बोल्ट के आई आकृति में से एक माइल्ड स्टील की छड़ इसके अक्ष के समकोण पर फिट की जाती है, जिससे बोल्ट संबंधित बुनियाद होल में दृढ़ता के साथ फिट हो जाता है और बोल्ट आसानी से नीव से बाहर नहीं निकल सकता है, फिट कर दिया जाता है जो नीव से आसानी से नहीं निकलता है। ये तो हुआ आई बोल्ट या लूप बोल्ट के बारे में। अब इसकी ड्राइंग हम लोग कैसे बनाते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है एक डिस्टेंस ले लेते हैं, एक डिस्टेंस ले लेते हैं, 7D मान लेते हैं। डी मानेंगे तो डी हम जो है नॉर्मल, यहाँ पर जैसे डी नॉर्मल डाया, अब बोल्ट, बोल्ट की जो नॉर्मल डाया होती है, एक मान लेते हैं जो हम लोग, या तो 20 मान लें, 24 मान लें, जो भी मान लें, हम एक जो है एक डाया मान लेते हैं। तो उस डाया के मान लेने के बाद से तो हम पहले एक नट बना लेते हैं, एक हम लोग सेंटर लाइन दे देंगे, एक सेंटर लाइन दे देंगे, सबसे पहले एक सेंटर लाइन दे देंगे। सेंटर लाइन पर हम लोग जो है ये 7D के बराबर, जैसे यहाँ पर भी दिखा गया है, 7D के बराबर
हम डिस्टेंस जो है सेंटर लाइन पर लगा लेते हैं। इसमें सेंटर लाइन नहीं दिखा है, हम जो हाथ से बना है उससे आपको दिखा रहे हैं। ये आपको बनाने में और समझने में ज़्यादा आसानी होगा, ये बनाने और दिखाने में आप लोग ज़्यादा आसानी होगा। एक सेंटर लाइन ले लिए, सेंटर लाइन ले लिए 7D, 7D पर हमने पॉइंट कर लिया, 7D पे हमने पॉइंट कर लिया। 7D पे पॉइंट कर लेने के बाद से जो है हम ये बनाते हैं। पहले 7D पे पॉइंट कर लेने के बाद से हम अपना D जो 20 लिए हुए हैं उसके हिसाब से ये हम जो हाँ नट बना लिए। नट बनाने के लिए जो है पुरानी प्रक्रिया है कि ये D हो गया, D/2 एक तरफ, D/1/2 एक तरफ हो गया। फिर इसके बाद से इसका जो है सेंटर के बाद से ये जो कर्व दिया गया है दोनों तरफ और 30 डिग्री पे, फिर इसका 3 डिग्री पे इसका जो है हम लोग दिखाते हैं। तो वो सब कर लेने के बाद से यानी कि नट हमारा बन जाने के बाद से फिर हम यहाँ पे अपना लगा लेते हैं, एक वाशर लगा लेते हैं। वाशर D/8 होता है तो लगा लेते हैं, और 2D+3mm पे ये होता है। ये लगा लेने के बाद से फिर ये मशीन बेस हम लोग तैयार कर लेते हैं। ये जो मशीन बेस है ये मशीन बेस तैयार कर लेते हैं। मशीन बेस तैयार कर लेने के बाद से ये और ये यहाँ तक डोरी 1.1D के बराबर ये हो गया, और ये D के बराबर हम डिस्टेंस लेकर के आते हैं। हम ब्रेक भी कर सकते हैं, ना ब्रेक भी करें तो भी हमारा ये चलेगा। ये हम D के बराबर डिस्टेंस लेकर आए हैं। ये यहाँ पे जो 7D है, 7D के बराबर पर डिस्टेंस लेकर हम आ गए। वहाँ पर आने के बाद से हम वहाँ पे एक D के रेडियस के बराबर एक सर्किल खींचते हैं। D के रेडियस के बराबर एक सर्किल खींचते हैं। उस सर्किल के खींचने के बाद से हम उसके ऊपर 2 mm से 3 mm एक दूसरा सेंटर लेते हैं, वो खींचते हैं। दूसरा सेंटर लेने का 2 से 3 mm का क्या है कि 0.1D के बराबर, 0.1D के बराबर एक वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे हमने बुक में लिखा रखा है कि यहाँ पे देख लीजिए हमारे कि 0.1D के बराबर हम एक दूसरा रेडियस लेते हैं, वैल्यू जाती है। उसके बाद से वहाँ से लेकर के हम जो है एक दूसरा ये सर्किल खींच लेते हैं, और वो सर्किल क्या है कि 0.1D के बराबर 2 mm पे आता है, यानी कि सेंटर लाइन पे 2 से 3 mm जो दिखाया गया है 0.1D के बराबर वैल्यू लेते हैं, सेंटर लाइन लगाते हैं। फिर हम जो जो हमारा सर्किल खींचे हुए हैं उसके ऊपर जो वैल्यू आती है वहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, जो हमारा नीचे तक का पहले से जो है D के रेडियस के बराबर सर्किल खींचते हैं, उस पॉइंट उस डिस्टेंस तक का लेकर के हम ये सर्किल बनाते हैं, जो हमारा ये सर्किल बन जाता है। कुछ देर तक हम इसे छोड़ देते हैं, फिर वहाँ से हम जो है एक बड़ा सर्किल ये वाला जो खींचते हैं, ये सर्किल जो खींचते हैं, ये सर्किल हमारा होता है ये आर आर जो होगा ये 1.6D के बराबर होगा। ये हम D के बराबर लेकर आ रहे हैं, D के बराबर लेकर आ रहे हैं, और ये बड़ा वाला सर्किल जो हम लोग खींचते हैं ये खींचते हैं 1.6D के बराबर। तो 1.6D बराबर ये खींचते हैं। फिर हम यहाँ पे 1.6D के बराबर रेडियस पे यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं। ये ऊपर से नीचे यहाँ पे ये कट किए, एक वट यहाँ किए, यहाँ से लेकर डिस्टेंस यहाँ कट किए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ कट किए, फिर इसको हम वहाँ से लिए, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया गया। जैसा कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हम लोग जानते हैं ज्योमेट्रिकल के माध्यम से कि इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के लिए एक पॉइंट यहाँ लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के लिए फिर उसी डिस्टेंस पे एक जगह यहाँ से कट किए एक तरफ, फिर यहाँ से कट किए एक तरफ, फिर वहाँ पर निडल पॉइंट रखे कंपास का, इसको आसानी से मिला देगा। फिर इसको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें प्लस D के बराबर का डिस्टेंस लेंगे, प्लस ये D की जो हमारा है प्लस D के बराबर डिस्टेंस लिए, और वो फिर इसे आकर के इस डिस्टेंस को पे आकर के मिला देते हैं, और ये D के बराबर ही हम वैल्यू लेकर जाते हैं। फिर यहाँ पे आकर के इसे हम ये मिला देते हैं, तो ये यहाँ पे बन जाता है। और ये हमारा जो है मिलने के बाद से यहाँ पे हम जो स्पेस छोड़ देते हैं, और इस स्पेस के बाद से फिर हम इसको क्या है इसमें कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट का जो है इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद से जो है ये हम बना देते हैं।
बनाने के बाद से जो है इसमें हम जो हैचिंग कर देते हैं, ये सारे हैचिंग कर देते हैं, जो हमारा जो है 45 डिग्री पे ये हैचिंग हुआ है, ये हैचिंग कर देते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक डी की वैल्यू हो गई है, और यहाँ से लेकर के जो 0.1 डी के बराबर जो 2 mm से 3 mm होता है उस पर जा रहे हैं, तो वहाँ से जो पहले का रेडियस है उसको टच करता हुए लेते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस हमको मिल जाती है। और फिर इसको मिल इसके बाद से फिर जो है 1.6 डी के रेडियस के बराबर हमको ये बड़ा सर्किल मिल जाता है। फिर इन बड़ा सर्किल को इस डी से जो डी हम लेकर के आ रहे हैं, इसको इस डी को इस लाइन से मिलाने के लिए एक कट करते हैं जो इस पॉइंट पे, और फिर एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ फिर उसी डिस्टेंस पे कट करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर नीडल पॉइंट रखते हैं कंपास का, पेंसिल पॉइंट, फिर इन दोनों को मिला देता है। और फिर इन दोनों को मिलाने के लिए भी जो है इसमें हम डी के बराबर रेडियस जोड़ देते हैं, इसमें फिर हम जो है ये डी इसमें जोड़ देते हैं, प्लस ऐड कर देते हैं, तो ये इन दोनों को ला करके इसको भी ला करके मिला देता है, और मिला देने के बाद से फिर हम इसे यहाँ से मिला देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आई बोल्ट जो है ये कंप्लीट होता है। कंप्लीट हो जाने के बाद से हम जो है ये पूरा जो ये मशीन पार्ट है, ये थ्रेड वाला पार्ट जो दिखाया गया है मशीन पार्ट का, ये सब जो है दिखा करके ये हैचिंग कर लेते हैं। हैचिंग करके एक ही डायरेक्शन में सबको हैचिंग कर लेते हैं, हैचिंग करके जो है सीमेंट कंक्रीट, और फिर जो है ये हम ये शॉर्ट ब्रेक लाइन में इसे हम दिखा देते हैं, पूरा नाम इसका वैल्यू हम इसको बनाते हैं। अब इसके बाद से जो है तब हम जो है नीचे लिख देते हैं आई या आईया लूप फाउंडेशन बोल्ट, इस तरह से हमारा ये बन जाता है। इस तरह से ये हमारा बनता है, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा का पूरा है बना हुआ है, इस तरह से ये पूरा का बना हुआ है। बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा जो है इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेशन करना है, बाकी सब बिल्कुल ही आसान है। एक बार हम फिर आपको ये बताते हैं, ये बिल्कुल आसान है, एक सरसरी तौर पर इसे देख लीजिए कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ले लेंगे, सेंटर लाइन ले लेंगे, सेंटर लाइन लेने के बाद से उसे 7D जहाँ तक आता है वहाँ पॉइंट कर लेंगे। पॉइंट कर लेने के बाद से अब हम जो है डी जो आप नट बनाएंगे इस बोल्ट में, डी ये डिस्टेंस डी हो गया, डी बाई टू ये हो गया, डी बाई टू ये हो गया, इसको फिर जो ऊपर का जो है ये बना लेंगे, ये जो आप लोग ज्योमेट्रिकल के हिसाब से बनाते हैं 2D के बराबर या 1.75D के बराबर या 1.5D के बराबर, ये लेकर के बना लेते हैं, इसे आप बना लेंगे, या फिर जो ज्योमेट्रिकल के माध्यम से इसको यहाँ से यहाँ कट कराते हैं, फिर यहाँ से लेकर के फिर इसे बना लेते हैं, ये इधर से कट किए आधे पर से यहाँ से, फिर यहाँ से कट किए तो ये बन गया, यहाँ से कट किए फिर ये बन गया, जैसा कि आप लोग पहले बताया जा चुका है। तो ये बना लेने के बाद से यहाँ से 30 डिग्री पे यहाँ से निकाल देते हैं, फिर जो है ये मशीन ये यहाँ पे वाशर भी लगा देंगे, वाशर लगाने के बाद से ये मशीन बेस आप निकाल लेंगे इस तरह से। मशीन बेस निकालने के बाद से डी के बराबर डिस्टेंस ये ले लेंगे, डी के बराबर ये डिस्टेंस ले लेंगे, 1.1D के बराबर ये यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस आपका रहेगा। ये डी के बाद डिस्टेंस लेके जाने के बाद से यहाँ पर आते हैं, फिर हम जो है जहाँ 7D लिए हुए हैं उससे 1.6D के रेडियस के बराबर ये बड़ा सर्किल खींच लेते हैं, 1.6D के बराबर हम ये पूरा बड़ा सर्किल खींच लेते हैं, फिर जो है यह डी के रेडियस के बराबर ये छोटा सर्किल खींच लेते हैं, फिर जो है यहाँ से ऊपर की तरफ 2 से 3 mm होता है तो 0.1D के बराबर वैल्यू निकालते हैं, तो 2 mm 3 mm जो भी वैल्यू आती है उसके ऊपर एक पॉइंट हमको मिलता है, उससे इस लाइन के बराबर जिस वाले का सर्किल है उस पर टच करते हैं, उससे लेकर के एक दूसरी लाइन जो है हम खींच लेते हैं, सर्किल खींच लेते हैं। दूसरी सर्किल खींचने के बाद से फिर हमको इन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ से ब्रेक लगाते हैं, एक स्पेस लेते हैं, ये यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करा उसी सेम डिस्टेंस बाद से उसको यहाँ कट कराते हैं एक तरफ से, फिर दूसरे तरफ से कट कराते हैं, फिर इन दोनों को मिला देते हैं, फिर उसी में हम यह डी जोड़ देते हैं, डी जोड़ देते हैं तो ये भी आकर के इसमें आकर के मिला देता, फिर हम
इसमें आकर के इसे मिला देते हैं। इस तरह से मिला देने के बाद से ये हमारा पूरा अंदर का पार्ट तैयार हो जाता है। अंदर का पार्ट तैयार होने के बाद से यहाँ से हम मशीन बेस से हम यहाँ पे वेब लाइन या फिर जो है शार्ट ब्रेक लाइन जैसा लेकर आ जाते हैं। और फिर लेने के बाद से ये हमारा ढांचा तैयार हो गया। इसके बाद से फिर इसमें बालू सीमेंट कंक्रीट का ये सिंबल बना देते हैं। सब दिखा देने के बाद से ये हमारा तैयार हो जाता है। इसके बाद से इसकी हैचिंग कर देते हैं, इसके बीच वाले पार्ट का भी हैचिंग कर देते हैं। करने के बाद से फिर नाम यहाँ ले देते हैं, और जो जो नाम है यहाँ पर डी है, 4D, 1.6D, ये सब लिख देते हैं। इस तरह से हमारा आई या लुक फाउंडेशन बोल्ट तैयार हो जाता है। एक बार फिर जो है ड्राइंग जो मैं बनाया है उसे देख लीजिए, बुक का देख लीजिए, आपको जैसे है उसे बना लीजिए, बिल्कुल ही आसान है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सिर्फ डी आप एक मान लीजिए, डी आपको मानना है जो 24 मान लीजिए या फिर 20 मान लीजिए, उसी के हिसाब से वैल्यू निकालते हुए सब भी आपका बन जाएगा। हर जगह पे दिया गया है कौन सा कहाँ पे किस वैल्यू में निकालना है। ये आपका यहाँ से ये है।